अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल सिस्टर्स व्लॉग। और आज की सीरीज़ है रमज़ान सीरीज़, तो आज की वीडियो होगी रमज़ान रिलेटेड। आज हम एक रेसिपी बनाएंगे पिज़्ज़ा की, जो कि है चिकन पिज़्ज़ा। आज हम देखेंगे कि हम आसानी से चिकन पिज़्ज़ा घर में कैसे बना सकते हैं। हम ये तीन स्टेप्स में करेंगे, तो चलते हैं स्टेप नंबर वन की तरफ, जो कि है डो। पहले हम देखेंगे कि हम चिकन पिज़्ज़ा का बेस कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए फ्लावर, वार्म वाटर, यीस्ट एंड शुगर्स। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पहले हम वार्म वाटर में शुगर्स ऐड करेंगे, देन यीस्ट ऐड करेंगे। ये एक्टिवेटेड यीस्ट है, इंस्टेंट यीस्ट है। अब ये जल्दी से 10 मिनट्स में एक्टिवेट हो जाएगी। अब हम इसे साइड में रख देंगे एक्टिव होने के लिए। अब हम फ्लावर में थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट हम ये एक्टिवेटेड यीस्ट इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। पिज़्ज़ा रेसिपी देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत हार्ड लगती है, बट ये बहुत इजी होती है। आप इसे ओवन में और कढ़ाई में आसानी से बना सकते हैं घर पर ही, और ये बहुत बजट फ्रेंडली भी है। तो चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। अब हम इसे थोड़े पानी की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा डो रेडी है। अब हम इसे ऊपर से ऑयल से कवर कर देंगे, ताकि हमारा ऊपर का जो आटा है वो बिल्कुल भी सूखे ना। इसे अब हम हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर टू की तरफ, जो कि है चिकन कैसे बनाएंगे हम। इसके लिए हमें चाहिए ऑयल, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, गरम मसाला, सम कलर एंड ब्लैक पेपर पाउडर। और यह है चिकन, ये अराउंड 500 ग्राम्स ऑफ चिकन है। इसके भी सारी क्वांटिटीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चिकन में मिला लेंगे। अब हम इसे बिल्कुल थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल या फिर नॉर्मल ऑयल। चिकन का जो हम ये बेस बना रहे हैं, ये आप चिकन से या फिर वेजिटेबल से भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी थाइम ऐड करूँगी, एज़ मेरे पास बेजिल नहीं थी, नहीं तो मैं वो भी ऐड करती। और थोड़ा सा स्पाइस किक के लिए हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब फिर से मैं इसे अच्छे से स्टर कर लूँगी। ये हमारा चिकन रेडी है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर थ्री की तरफ, जो कि है असेंबलिंग। इसके लिए हमें चाहिए चिकन, श्रेडेड चीज़, पिज़्ज़ा सॉस और अनियंस, टमेटोज एंड कैप्सिकम। पिज़्ज़ा सॉस आप घर में आसानी से बना सकते हैं। अब ये हमारा जो डो है बिल्कुल डबल हो गया है साइज़ में। अब हम इसे फिर से गूंदेंगे आराम से। एक सरफेस एरिया लीजिए, उसमें थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करिए। अब इसको हम फिर से अच्छे से गूंदेंगे और इसके फोर सेक्शंस बनाएंगे, फोर पीसेस बनाएंगे। इसमें फोर स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा बन जाएंगे आपके आराम से, बट मैंने थ्री मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ाज़ बनाए हैं। अब मैं इसे बेलूंगी विद अ रोलिंग पिन। आप इसे हाथ से भी थपथपाकर बड़ा कर सकते हैं। अभी एक शेप में आ गया है। अब मैं इसे एक बेकिंग ट्रे पर ट्रांसफ़र करूंगी, जो मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिए है। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ, जो कि है एक फोक से हम इसे अच्छे से प्रिक करेंगे, ताकि ये अच्छे से पक जाए इवेंटली, नहीं तो ये सेंटर से फूल जाएगा। और अगर आप इसे कढ़ाई में बना रहे हैं, तो इसके कॉर्नर्स पे ऑयल लगाना ना भूलें। अब हम डालते हैं पिज़्ज़ा सॉस, ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा आप किसी भी तरीके का बना सकते हैं, जैसे कि चिकन का, मटन का या फिर वेजिटेबल्स का। अब हम इसमें चिकन की लेयर ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें हमारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे।
आप इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक या ग्रीन, जो आपको पसंद है। अब हम नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे चीज़। चीज़ को आप पहले से ग्रेट कर लीजिए, ये मोज़रेला चीज़ है। आप इसमें चेडार या फिर चीज़ स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी आपको चीज़ पसंद है उस हिसाब से। अब हमने ओवन प्री हीट कर रखा है 200 डिग्रीज पर। अब हम इस पिज़्ज़ा को हमारे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्रीज पर 8-10 मिनट्स तक पकाएंगे, जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक ना जाए। अब आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर्स बिल्कुल पक गए हैं, इसका मतलब है कि हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। हम अब इसे ओवन में से निकाल लेंगे। अब मैं आपको इसे कट कर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। ये एक होल मील है, आप इसे इफ्तार में आसानी से बना सकते हैं और ये जल्दी बन जाता है। अराउंड 30-40 मिनट्स में आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आप भी सब ट्राई कीजिए और दुआओं में याद रखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप